बीजेपी का 400 पार कर पाएगी? महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। 101% 400 पार हुआ और हो ही गया समझ लो। लोग बोलते बीजेपी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो गई। महंगाई तो किधर नहीं है, पूरी दुनिया में है। जाके देख ले, जो बोलते हैं महंगाई ज्यादा है तो जाओ पूरी दुनिया में देख लो, सब जगह महंगाई, हमसे तो ज्यादा महंगाई है उन लोग। पब्लिक के अंदर का गुस्सा निकालेगी अपना। गुस्सा किस चीज को लेकर है? राजनीति, दल बदलू वाली, और क्या है। तो क्यों बोल रहे बीजेपी की सरकार है महंगाई बेरोजगारी बहुत है? नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो चलते रहते हैं, बाकी देश को संभाला उसने ही, बाकी किसने संभाला है भाई। 400 पार देखो अभी करती है कि नहीं, बाकी आएगी बीजेपी वो पक्की बात है। आएगी बीजेपी 100%। क्यों कह रहे हैं आप? मतलब भाई अभी लहर उसकी चल रही है मोदी जी की, तो आएगी ना भाई। ये सब नेता लोग है ना, वो हमारे से नफरत है। ये खुद आएगा और खुद का पेट भरेगा और चला जाएगा। जानना चाह रहे हैं शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साउथ मुंबई में टक्कर उन मुकाबले का होने वाला है या एक तरफा लहर जाने वाली है? ऐसा कुछ नहीं, दोनों बाजू जाएगा, कुछ इस तरह कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे मुंबई में सब तरह का है, दोनों बाजू की पार्टी का सपोर्टर बहुत है, इसलिए कोई वो टिपिकल ऐसा नहीं बोल सकते उद्धव ठाकरे का हालत होएगा, इसका ऐसा होएगा, सबका सही है, दोनों का अपने अपने समर्थक बहुत है, दैट्स व्हाई। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, लोगों में कन्फ्यूजन हो गई किस शिवसेना के पास जाएं। ऐसी कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, जो पार्टी की तरफ से है वो पार्टी की तरफ ही है, कन्फ्यूजिंग कुछ नहीं है, जिसको जो नेता सही लगे वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं अभी वोटिंग देने के टाइम लोग क्या सोचते हो, आप उन किसी के मन की बात नहीं जान सकते, वही है। बाकी बीजेपी का जोर है, पूरा जोर है। बीजेपी का 400 पार कर पाएगी? महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। 101% 400 पार हुआ और हो ही गया समझ लो। लोग बोलते हैं बीजेपी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो गई। महंगाई तो किधर नहीं है, पूरी दुनिया में है, जाके देख ले, जो बोलते हैं महंगाई ज़्यादा है तो जाओ पूरी दुनिया में देख लो, सब जगह महंगाई, हमसे तो ज़्यादा महंगाई है उन लोग की। महंगाई का कोई इश्यू नहीं है, खाली पपड़गंडा है, बाकी बीजेपी 400 पार फिक्स है, फिक्स और फिक्स ही है। बीजेपी का 400 पार का नारा बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लोग लगा ही नहीं रहे। नहीं नहीं कोई कमज़ोर नहीं दिख रहा है, ये कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई कमज़ोर नहीं दिख रहा है, 400 पार फिक्स है, कोई शक नहीं है। ये शरद पवार जो हैं कहते हैं कि अजीत पवार बीजेपी में इसलिए गए, एनडीए में इसलिए गए हैं ईडी और सीबीआई की वजह से, क्या मानते हैं? नो कमेंट, इस बारे में कोई कमेंट नहीं है, किसी के बारे में क्या बोलने का, वो सब पार्टी के बड़े लोगों का वो है, पब्लिक को बोलने का कोई हक नहीं है, ये आपस में एक ही है सब लोग पॉलिटिशियन, इसलिए इस चीज़ में कोई नो कमेंट, सब एक सरीखे है। सर महाराष्ट्र में जो दल बदलू की राजनीति रही है कहाँ तक सही है ये? बरसों से है, कोई नया थोड़ी है इसमें, कोई सब जगह पे, खाली महाराष्ट्र का इश्यू बना रहे, दुनिया में सब जगह पे है, इसका कोई इश्यू नहीं है। दल बदली तो अपने आप का एक पॉलिटिकल हुआ है यार, ये क्या बोलते हैं एजेंडा रहता है, वो हर जगह पे ऐसा है, दुनिया में हर कोने में हर जगह पे ऐसा हो रहा है, इंडिया में अकेला नहीं है। शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साउथ मुंबई से दोनों ने अपने कैंडिडेट उतारा है, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली या शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, कौन सी पार्टी की लहर भारी लग रही है, एक तरफा माहौल है? अभी तो ऐसा देखने में दोनों को लगता है, अभी ऐसा कोई बता सकता है थोड़ी, वैसा तो दोनों को दिखाई देता है कि क्या, वैसा शिवसेना तो भाई पुराना है ही है, उसको पुराना सब लोग जाना ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कोई कोई एकनाथ शिंदे को बोलता है, कोई बोलता है, ऐसा कन्फ्यूज है जनता, कन्फ्यूज, हाँ कन्फ्यूज, किसको वोट करें, किसको वोट करें, पहले एक ही होती थी शिवसेना, तो जनता शिवसेना को वोट देती, अब शिवसेना एकनाथ को दें या उद्धव को दें, ये बड़ी, लेकिन वो पुराना है ना, कौन पुराना, एकनाथ या शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, हाँ उद्धव ठाकरे वाली, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो दूसरा वो मिल गया ना, पुराना वाले तो उनके पास चला गया, एकनाथ शिंदे के पास वो चला गया, भले चला गया लेकिन चेहरा वो उद्धव ठाकरे का पुराने के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ अब आप अपना कई नाम रख लें तो उसका बात अलग है, लेकिन आप तो वही है ना, ये भी है, क्या महंगाई बेरोजगारी है क्या कुछ यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि देख रहे हो क्या हो रहा है, कितना बज गया, घड़ी आप पहने हैं, आप घड़ी देख, एक मिनट, 11:23 हो गया, हम लोग 8 बजे यहाँ पर घुसता था और देखो थैला वो रखा है पैकिंग का, इतना काम निकलता था जिसका बोलो मत,
अभी आखा दिवस बैठ करके चाह का वादा हो गया। बेरोजगारी मतलब काम नहीं है मार्केट में, काम कुछ नहीं है। क्या नाम है सर? गुरुचरण यादव। क्या लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे एक नाथ शिंदे? देखो अभी उद्धव ठाकरे को ही आना चाहिए। उद्धव ठाकरे कौन सी है? वजह क्या? हाँ वजह क्या है? वजह क्या है, अभी पुराने हैं वो सब, पहले से काम किए हुए हैं, हिंदुत्व है, सबको पकड़ के चलते थे, उसके हिसाब से उनको आना चाहिए। उनकी जो पार्टी टूटी, गलत हुआ सही हुआ? गलत हुआ ना। कैसे मतलब क्यों? अब ये जो एकनाथ शिंदे थे बोलते थे मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, और ये कांग्रेस के भी खिलाफ थे थोड़ा सा विचारधारा, या भी कुछ भी कहें तो कुछ ना कुछ उनका भी है ऐसा, एक गलती से तो हुआ नहीं है टूटा हुआ, गलती तो कहीं हुआ होगा उद्धव ठाकरे से। हाँ एक की थोड़ी गलती हुआ टूट गया, ऐसे थोड़ी टूटता है, कुछ गलती किए होंगे तो टूटी होगी, बाकी तो उद्धव ठाकरे भी अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे थे। महंगाई जो सर बोल रहे थे बेरोजगार नहीं है, ऐसा भी है क्या? महंगाई तो कुछ भी नहीं, कम नहीं है, महंगाई तो बढ़ी रही है, धंधा बेरोजी आदमी के पास हाथ में है ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल देखो दुकानें पूरा खाली पड़ी है, कोई काम ही नहीं है, आदमी व्यापारी नहीं कमा रहा तो आदमी को कहाँ से देगा, आदमी तो गरीब आदमी तो और गरीब होते जा रहा है, भिखारी कटोरा लेने का टाइम आ रहा है वो लोग को, ये ऐसी स्थिति है। शिवसेना उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिलेगी इस बार? कुछ सहानुभूति मिल जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं बात कर सकते, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा वो तो वोटिंग के ऊपर डिपेंड है, पब्लिक के अंदर का गुस्सा निकालेगी अपना। गुस्सा किस चीज को लेकर है? राजनीति दल बदलू वाली और क्या है, तो सब अपने अपने पेट पे पार रहे नहीं भाग रहे, दल बदलू वाली राजनीति से परेशान है एकदम, प्रतिनिधि बदल जाता रातों रात, रिप्रेजेंटेशन ही बदल जाता है, एक घंटे में चेंज होता है इधर तो, 4 बजे कोई और 6 बजे कोई, ऐसा भी है हो ही रहा है ना, हुआ ही ना, नहीं हुआ 4 बजे एक सीएम बना, उसके बाद 6 बजे एक सीएम बना, नहीं बना, बड़ी अनस्टेबल राजनीति है ना, स्टेबलाइजेशन आनी चाहिए तो वही राजनीति की एक होनी चाहिए, कहीं के भी हो चाहे स्टेबल रहनी चाहिए, वरना जनता तो इसी में उलझी रह जाएगी, अच्छा ये सीएम बन गए, कोई वोट देती है ना जनता, वो लोग अंदर जाके फूटते हैं बाद में, तो नहीं फूटते। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि जैसे आप ये लोग बोल रहे हैं? ये बेरोजगारी है अभी, देख लो महंगाई का व्यापार नहीं है कुछ भी नहीं, ये मार्केट में सबसे बेस्ट धंधा होता था, अभी कुछ नहीं है, फ्लॉप है? ये सब बीजेपी सरकार का मुद्दा। अच्छा महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा खत्म हो गया उनका, खत्म किया उन्होंने 10 सालों में, खत्म क्या मार्केट खत्म हो गए, हम लोग खत्म हो रहे हैं। अच्छा और कुछ नहीं खत्म किया है, मार्केट खत्म कर दिया आपको, वो मतलब खत्म हो गया ना, महंगाई बढ़ गई बेरोजगारी बढ़ गई, उसके लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली या शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली मुंबई साउथ कौन ले जाएगा? अपने में दोनों कोई भी चलेगा, अपने को मत देने से मतलब है, कोई भी आना चाहिए। किस मुद्दों पे देंगे विकास, क्या मतलब विकास होने वाला है नहीं किसका, होता किधर है विकास? नहीं हुआ, बीजेपी तो कहती है बहुत विकास किया हमने 10 सालों में, हमारे पास नहीं हुआ, हमारा तो नहीं हुआ विकास अभी तक। बीजेपी 400 पार करेगी? 400 पार देखो अभी करती है कि नहीं, बाकी आएगी बीजेपी वो पक्की बात है, आएगी बीजेपी 100%। क्यों कह रहे आप मतलब भाई, अभी लहर उसकी चल रही है मोदी जी की तो आएगी ना भाई। लोग बोल रहे बीजेपी की सरकार है महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो चलते रहते हैं, बाकी देश को संभाला उसने, बाकी किसने संभाला भाई, कौन है उसके जैसा, है ना अभी विपक्ष में लोग हैं, कोई नहीं है, कौन है दिखाओ एक मेरे को, कैसे संभाला देश को उन्होंने सब ना, अब इंटरनेशनल लेवल पे देखो इंडिया आ गई है ना। बीजेपी जो है 400 पार कर पाएगी क्या? नहीं नहीं कोई हालत में नहीं कर पाएगी, 100% हारेगी। हाँ 100% देख लेना, बेरोजगारी के मुद्दे की वजह से, कोई भी मुद्दे, महंगाई तो है ही है, बेरोजगारी है, सब बेकार बैठे इधर देखो, सब जन बेकार बैठे। उद्धव ठाकरे जो है क्या इस बार साउथ मुंबई से जीत पाएंगे एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट हैं? हमारे हमको तो उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो बात की बात, पार्टी टूटी है इसलिए, पार्टी टूटी नहीं, वो आदमी सी बहुत अच्छा है, इसमें क्या है, हमारे लेवल से अच्छा है, अच्छा है महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है, घाटा ना हो जाए शिवसेना के दो टुकड़े हुए एकनाथ शिंदे में वोटर चले जाते हैं, ठीक है अभी कुछ भी हो सकता है, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किसी को थोड़ी मालूम है, ये तो प्रिडिक्शन है, आप अपन ऐसे सोचते हैं कि ये जीतेगा ये हारेगा, लेकिन कौन जीतेगा ये तो उधर मालूम है ऊपर वाले को। ये सब नेता लोग है ना वो हमारे से नफरत है, तुम आगे बोलो, ये खुद आएगा और खुद का पेट भरेगा और चला जाएगा, अपन को कुछ देने वाला नहीं है बस। तो जो वादे करते हैं आपसे चुनाव के टाइम में जब आपका नेता जीत के आता है तो काम करते हैं ये लोग?
काम नहीं करता इसलिए बोला है ना, ये खुद का ये करता है, खुद का फायदा देखता है। हाँ बस बीजेपी आएगी वो कैसे, वो आएगी उसका विकास है, लोगों के प्रति प्रेम है, सौहार्द है, वो जात पात को नहीं देखती है। हाँ नहीं देखती है, मोदी का काम है ना, योगी मोदी सब टैलेंट लोग हैं जो दुनिया के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए क्या दुनिया के लिए भी करना चाहते हैं। योगी जी का नाम यहाँ तक है क्या महाराष्ट्र? हाँ सब सब चाहते हैं, पूरी दुनिया में चाहते हैं लोग उनको। क्या लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार है, महंगाई बेरोजगारी बात हो गई? कोई बेरोजगारी नहीं है, देश कितना डेवलप कर रहा है, बेरोजगारी काम नहीं करेंगे तो हाँ डेवलप किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना गडकरी जी ने महाराष्ट्र में कितना डेवलप किया है, देखा है तुमने बॉम्बे की रोड कितना बॉम्बे में डेवलपमेंट हुआ है, ऑल महाराष्ट्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में देखो कितना प्रोग्रेस हुआ है, लोगों में जागरूकता कैसी कितनी आई है, लोग कितने मतलब चुनाव के प्रति भी सजग कितने हैं लोग। हाँ ये मोदी आएगा 100% आएगा, 400 पार कर पाएंगे? 400 पार कर पाएगा देख लेना। तो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाले कुछ कोई नहीं चाहता बॉम्बे में, सब पूरा नहीं नहीं चाहता है, यहाँ का सब बिजनेस ही खत्म हो गया उसकी वजह से, महाराष्ट्र बहुत पीछे है। क्या उद्धव ठाकरे? हाँ उनकी वजह से सब यूनियन बाजी ये वो सब उनकी वजह से सब सारा महाराष्ट्र बहुत पीछे है, सब गुजरात देखो कहाँ देखो चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहे हैं और महाराष्ट्र में कहाँ है नया डेवलपमेंट। उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं हो पाएगा सिंपैथी वगैरह का जो सीन है? हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा, लोगों के प्रति क्या रुझान होना चाहिए, क्या जितना बीजेपी का लोगों के प्रति कनेक्टिविटी है, लोग चाहते हैं जो अभी उस हिसाब से तो बीजेपी आएगी 100%। उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे वाला? एकनाथ शिंदे वाले हैं हम लोग। अच्छा हाँ, तो उद्धव ठाकरे उनको सिंपैथी नहीं मिलेगी इस बार? हम तो शिंदे को देगा। शिंदे को वजह क्या, मतलब शिंदे को पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे मतलब शिवसेना की वजह से? शिवसेना के वजह, शिवसेना तो उद्धव ठाकरे वाले भी है, हम शिंदे वाले। आप शिंदे वाले? हाँ। तो मुकाबला टक्कर का रहेगा यहाँ पर या फिर एक तरफा एकनाथ शिंदे वाला? शिंदे वाला रहेगा। शिंदे वाला रहेगा। लोग कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी में है, तो बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं या शिंदे को? हम शिंदे सरकार वाले हैं, कुछ भी होने दो, हम शिंदे को वोट देगा। बोले एक ना शिंदे की लहर चल रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे चल रही है, हम तो मेरा सगा मामा है, वो सगा मामा है। हाँ। असल हम उसको छोड़ेगा नहीं, हमारा खास आदमी, हम उसको ही वोटिंग करेगा। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे, वो हम किधर जाने को नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारा वो आदमी मामा है तो हम उसको ही करेगा। मामा है इसलिए वोट करेंगे? मामा नहीं, ऐसा भी अच्छा आदमी है, सब काम भी अच्छा कर रहा है। बोल रहे कि महंगाई बेरोज, अभी तो बीजेपी में है वो। कौन? आपके मामा एकनाथ शिंदे। अभी क्या बोल रहे, बीजेपी में महंगाई बेरोजगारी बहुत है? अरे महंगाई है, विरोध में नहीं है महंगाई तो, वो क्या अपना उद्धव ठाकरे साहब भी आएगा तो भी महंगाई करेगा, वो क्या सस्ता थोड़ी कोई देने वाला है, तो सब महंगाई कर रहा है, लेकिन हमको तो सब वो भी चाहिए, उद्धव साहब भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन हम उनको मानता है एकनाथ शिंदे को। ओनली बीजेपी को वोट करने का। किसको वोट? बीजेपी को। वो क्यों? हाँ वो क्यों बोले तो? हाँ मतलब वजह बताइए ना कि आप ये काम कर रहे हैं तो वजह। अपन बीजेपी का भक्त है, बीजेपी ओनली मोदी सरकार भक्त है। हाँ क्या क्यों भक्त कैसे बन गए, मतलब विकास से बन गए कैसे बन गए? विकास से बने ना भक्त, थोड़ी ना ऐसे बन गए चमचे चाट के, ऐसे विकास से ही बने ना भक्त। एक व्हाट्सएप वाले भी होते हैं तो क्या जी, एक वो होते हैं शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाले, क्या इनको सिंपैथी मिलेगी? कुछ नहीं मालूम है, बट अपने को बीजेपी सरकार चाहिए बस। बीजेपी 400 पार कर पाएगी आराम से?